दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। इसी के तहत छतरपुर विधानसभा के आया नगर में लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। लोगों ने स्थानीय विधायक करतार सिंह तंवर का पुतला फूंका, विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लेकिन विधायक जनता की समस्या सुनने की बजाय अपने में मस्त है और जनता त्रस्त है। ये रिपोर्ट देखिए। नेताजी मस्त, जनता त्रस्त, विधायक जी की वादा खिलाफी, एक रात पहले किए वादे, जनता ने खोल दी पोल। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। लोग अब गुस्से में हैं और सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन नेताजी मस्त हैं और जनता त्रस्त है। नेताजी अपने कामों में व्यस्त हैं और जनता त्रस्त है। लोगों का आरोप है कि जनता की सेवा छोड़कर अपनी जेब भरने में मस्त हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मटका फोड़ प्रदर्शन और एमएलए करतार सिंह तंवर का पुतला फूंकते लोग। तस्वीरें छतरपुर विधानसभा के आया नगर गाँव की हैं, जो विधायक करतार सिंह तंवर का पुतला फूंककर विरोध जता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने तो पानी दिया, लेकिन विधायक ने उन तक पानी नहीं पहुंचाया। विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर अपनी जेब भर रहे हैं। बढ़ती गर्मी में कई लोग पानी को तरस रहे हैं, जिसको लेकर निगम पार्षद देवपाल ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। आया नगर के अंदर कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं जिसमें पानी की समस्या ना हो। इन्होंने 7 साल से पानी के ऊपर कोई काम नहीं किया। सोनिया विहार की पाइपलाइन 7 साल पहले आया नगर में आ गई 2012-13 में, लेकिन क्षेत्र के एमएलए ने किसी ब्लॉक के अंदर पानी पहुंचाने का कोई काम नहीं किया। यहाँ पर 2 साल से काफी सारे ट्यूबवेल पास है, कोई भी ट्यूबवेल लगाने का काम नहीं किया। 2 साल से इनके चक्कर लगा रहे हैं। एमएलए साहब 1.5 साल से यहाँ से गायब है, उनको कोई चिंता नहीं है। आज हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ पर उनका पुतला फूका है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी। इन्होंने वादा किया था कि हम लोग फ्री पानी देंगे। फ्री पानी छोड़िए, लोग पानी पैसे से लेने के लिए भी तरस रहे हैं। जो यहाँ पर जो बहुत सारे ट्यूबवेल हैं जिनके अंदर पानी की अंदर गंदे पानी की मिलावट है, कोई साफ पानी नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर टैंकर हैं, टैंकर जो सरकारी दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं, वो वहाँ पर कहीं पर नहीं पहुँचाया जा रहा, पैसे लिए जा रहे हैं। उनके जो लोग हैं यहाँ पे वसूली कर रहे हैं, टैंकर भेजे जाते हैं। यहाँ पर पूरी आयनगर के अंदर, पूरी ब्लॉक के अंदर परेशानी है। जौनापुर के अंदर 20 पॉइंट प्रोग्राम के प्लॉट हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। घटोरनी के अंदर पानी नहीं है, और खास तौर से पूरा आयनगर आप देखेंगे इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ जाए हैं कि आज पानी तरस रहे हैं, मजबूरी है। और एमएलए साहब, सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है सरकार की सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखकर। पहले भी एमएलए साहब ने सिर्फ चुनाव में 4 महीना के काम किया था, आज फिर चुनाव को देखकर ये लोग यहाँ पर चक्कर लगाने आते हैं। 4 साल ये लोग गायब रहते हैं। 2.5 लाख रुपए महीना एमएलए को तनख्वाह मिलती है, जिनको 2.5 लाख रुपए मिलता है, और आज हमारे पास 2.5 महीने ये लोग काम नहीं कर रहे। हम लोगों ने देखा, हम लोग खुद लड़े। लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड और स्थानीय विधायक पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो पानी के टैंकर आते हैं वे पैसे मांगते हैं, टैंकर के लिए 1000 या 500 रुपए देने पड़ते हैं। लोगों ने विधायक करतार सिंह तंवर को साफ साफ चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हमने जिनको वोट दिया वो विधायक 1.5 साल से गायब हैं। विधायक हमको पानी नहीं पहुंचा रहा है। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि उनकी मांगों की अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 1200 रुपया हम लोग आरओ में डालते हैं और महीने दिन के बाद आरओ में आरओ खराब हो जाता है। इतना कचरा पानी हम लोग पी पी करके और अपना दिन निकाल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पानी चाहिए, किसी भी तरह से हमको पानी दो। वहीं एक रात पहले विधायक ने वादा किया था कि हमने बिजली पानी की व्यवस्था कर दी है। ये जो पहले स्थिति थी, बहुत बुरी हालात थे, ना सड़कें थी और पूरे खड्डे यहाँ पर हुआ करते थे। पूरे आयनगर में पानी की निकासी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, बिजली यहाँ आती नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। तो इस तरह की जो सुविधाएं जनता जिनसे वंचित थी, पहले की सरकारों ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही चाहे वो कांग्रेस की रही, जो विधायक थे उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया और आया नगर को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। आज आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया रोड बने हुए हैं, ये हमारी सरकार ने आने के बाद किया है। पीने के पानी की व्यवस्था पूरी गई है, बिजली यहाँ पे 24 घंटे आती है, बिजली लोगों को फ्री मिल रही है, पानी लोगों को फ्री मिल रहा है, अच्छी सड़कें बनाई हैं। विधायक के झूठे वादे का कच्चा चिट्ठा जनता ने सबके सामने खोल दिया है। एक दिन बाद ही जनता ने विधायक के खिलाफ विरोध जताकर उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है।
अब देखना होगा कि क्या विधायक की तरफ से इन लोगों की समस्या का निदान किया जाता है या हमेशा की तरह ही विधायक जी जनता को दरकिनार करते रहेंगे। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से निखिल कुमार की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।